साथ ही आज जो खास मेहमान हमारे साथ शो में शामिल रहेंगे पूरे आधे घंटे, उनसे भी परिचय करा दे, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी स्वागत है आपका। अविनाश जी, बाजार की आज की तेजी को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं और आगे आने वाले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी यूएस इलेक्शंस की? हालांकि जो बाइडेन के नाम पर मोहर लगती हुई दिख रही है, लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा बहुत अनिश्चित जरूर है। दूसरा सवाल आपसे यही होगा कि हफ्ते भर की खरीदारी अगर करनी हो तो कहां पर राय देंगे आप? स्वाति, मुझे लग रहा है कि आज की जो उछाल मार्केट में थी वो इस बात पे थी कि बाइडेन जीतने की पूरी तैयारी में है, और ये अगर आते हैं तो उन्होंने यूएस में एक और एक बड़ा स्टिमुलस देने का वादा दिया है, तो मार्केट्स क्लियरली फिस्कल स्टिमुलस के लिए वेट कर रही है। जैसे ही नया प्रेसिडेंट चुना जाता है तो ये डेवलपमेंट मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगी, और यही कारण था कि मार्केट्स में आज एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि एफआईआई ने भी आज बहुत जम के खरीदारी आज मार्केट्स में की है, तो लिक्विडिटी का भी पुश मार्केट्स में था। और रही बात वीकली पोजिशनल पिक के लिए, तो हमको फार्मा सेक्टर में सन फार्मा पसंद है। सन फार्मा हमको लग रहा है काफी वेल पोजिशनड है, क्यूक्यू के नंबर्स बहुत ही दमदार थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी थी। हमको लग रहा है कि सेकंड हाफ तो इससे भी अच्छा आने की उम्मीद रहेगी, और इसलिए इसको 512 जो अभी करंट रेट है खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन का नजरिया है तो कम से कम 535 536 का रेट मिलेगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस 500 रुपए का रखे तो रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है, तो इसमें डेफिनेटली एक पोजिशनल ट्रेड बन सकता है, तो सन फार्मा पे नजर रख। पोजिशनल बाय सन फार्मा में करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। करते हैं आज के एक्सपर्ट अविनाश जी का। अविनाश जी, सिप्ला और फिर आईटीसी दोनों पर ही मैं आपसे राय जानना चाहूंगी, क्या स्ट्रेटजी रखी जा सकती है? मुझे लग रहा है कि सिप्ला के नंबर्स डेफिनेटली काफी स्ट्रांग आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से इनका जो कोविड का पोर्टफोलियो है इसमें अच्छी खासी बढ़त रेवेन्यू और प्रॉफिट्स में आएगी, मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट आएगी। मुझे लग रहा है नतीजे अगर अनुमान से एग्जैक्टली वैसे ही आते हैं तो इसमें डेफिनेटली थोड़ी बहुत और अपसाइड के लिए जगह है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली जिनके पास है वो होल्ड करे, और कोई भी अगर रिजल्ट के बाद करेक्शन आता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए, क्योंकि आने वाला सेकंड हाफ जो होगा FY21 के लिए वो भी एक अच्छा पीरियड हम मान के चल रहे हैं। रही बात आईटीसी की, तो मुझे लग रहा है कि आईटीसी में थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आने की उम्मीद है, हालांकि आज स्टॉक थोड़ा सा चला है। यहाँ पे मार्केट्स क्लियरली वॉच करेगी कि वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट में कितना है, प्राइस इंक्रीज आने की क्या एक्सपेक्टेशन है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री एफएमसीजी और होटल बिजनेस पे क्या रहेगा। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, यहाँ पे कोई बड़ा अपसाइड आएगा आईटीसी में ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन सिप्ला में डेफिनेटली हो सकता है कि रिजल्ट के बाद आपको अच्छी खासी बढ़त देखने को मिले। तो दोनों ही शेयर्स पे मैं समझता हूँ होल्ड करने की राय, रिजल्ट्स आने के बाद कमेंट्री जो आएगी वो दोनों कंपनीज की काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सिप्ला और आईटीसी में जरूर ध्यान रखिए रिजल्ट आने के बाद की कमेंट्री पर। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के स्टॉक में रखने की आज आप सलाह दे रहे हैं? स्वाति, आज जो स्टॉक हमको पसंद है और इन्वेस्टमेंट ग्रेड है उसका नाम है सुंदरम फास्टनर्स। इस कंपनी की जो प्रोडक्ट बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केटर का बेसिकली टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स और ट्रैक्टर्स को केटर करती है। कमर्शियल व्हीकल वाले कंपनियां भी इनके काफी बड़े कस्टमर्स है, तो हमको लग रहा है कि आने वाले 6 महीने में बिकॉज पॉजिटिव रिकवरी ऑटो सेक्टर में देखने को मिली है तो कंपनी को काफी फायदा होगा। इनफैक्ट कंपनी ने जो अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं वहां पे उन्होंने करीबन 103 करोड़ का प्रॉफिट डिक्लेयर किया था, जो पहले तिमाही में 22 करोड़ का लॉस था, तो रिकवरी बहुत स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात, 150 करोड़ का उन्होंने लोन रिपेमेंट किया है, तो ये भी दिखलाता है कि कैश फ्लो इंप्रूव हो चुके हैं, तो यहाँ से खरीदने का एक बहुत अच्छा मौका बनता है। हमको लग रहा है 6 से 8 महीने के लिए करीबन कोई अगर निवेश करता है तो 550 का लेवल पॉसिबल लग रहा है, बहुत ही क्वालिटी बेस्ड ऑटो कंपोनेंट प्ले, तो इसमें जरूर निवेश करें। तो लॉन्ग टर्म के लिए सुंदरम फास्टनर्स में निवेश करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आज शो में शामिल हुए आप।